Guys, the budget of 1 lakh is no joke, and any customer willing to buy a gaming laptop in this price range is surely looking for the finest specifications. लेकिन एक appropriate combination ढूंढना CPU, GPU, RAM, storage और display का is quite tricky. इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ तीन important criteria रखे हैं जिससे आपको idea हो जाएगा कि आपको कौन सा combination choose करना चाहिए 1 lakh के budget के अंदर. तो यहाँ पर first important factor की बात करें तो वो है processor. तो यहाँ पर processor की बात करें, you will either find Intel और AMD based processor. तो Intel और AMD बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं गाइस. यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स ने सजेस्ट किया था कि AMD के प्रोसेसर ज्यादा बेटर होते हैं जब गेमिंग लैपटॉप की बात आती है, तो ऑब्वियसली AMD के चिप्स थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं, लेकिन ओवरऑल Intel और AMD दोनों के प्रोसेसर काफी बढ़िया है गाइस, आप कोई भी चूज कर सकते हैं दोनों में से. लेकिन प्रोसेसर चूज करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपको वहाँ पर 4 या फिर 6 कोर का बिल्ट इन प्रोसेसर मिल जाए, 9 MB या फिर 12 MB का कैश मिल जाए, और वहाँ पर आपको बेस प्रोसेसिंग स्पीड मिल जानी चाहिए 2 GHz की, जो मैक्सिमम जाए 4.5 GHz तक का. तो आपने अगर वैसा प्रोसेसर चूज किया तो आप उसमें काफी स्मूथली कोई भी गेम्स खेल सकेंगे. एंड गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है GPU. तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा NVIDIA GTX 1650, 1660 Ti और RTX 2060. आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, तीनों काफी बढ़िया GPU है. और दोस्तों, यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोरेज. तो अगर स्टोरेज की बात करें तो 1 लाख के प्राइस रेंज के अंदर आपको SSD प्लस HDD मिल जाती है, दोनों की कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगी, जो मोर देन इनफ है गाइस. एंड गाइस, एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है डिस्प्ले. अगर आप 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं गाइस, तो ऑब्वियसली आपको रिफ्रेश रेट मिल जानी चाहिए 120Hz की या फिर 144Hz की. गाइस, अगर आप 120Hz के नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर अपना पैसा वेस्ट कर देंगे. तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि 120Hz या फिर 144Hz की डिस्प्ले आप चूज कीजिए. तो ये कुछ क्राइटेरियाज थी, ये सब दिमाग में रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 1 लाख जो आपको इंडिया में मिल जाएगा 2020 में. और गाइस, इन सभी लैपटॉप्स का चीपेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप अपने मनपसंद के लैपटॉप को वहां से खरीद सकते हैं. और दोस्तों, जो पांचवें नंबर पर हमारा लैपटॉप है वो है Asus Stuff Gaming FX505DV. अगर इसकी स्पेक्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है AMD Ryzen 7 3750H का प्रोसेसर. यहाँ पर आपको 6 MB कैश और 4 कोर्स का इनबिल्ट प्रोसेसर मिल जाता है. अगर यहाँ पर 6 कोर्स का इनबिल्ट प्रोसेसर होता तो ऑब्वियसली हमारे लिस्ट पे नंबर 2 या फिर नंबर 3 पे आता. बस यही एक रीजन की हमारे लिस्ट पे पांचवें नंबर पे आता है. और यहाँ पर बाकी स्पेक्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD, जहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा. रैम आपको 16 GB मिल जाएगा. यहाँ पर स्टोरेज की बात करें, आपको 1 TB का SSD मिल जाएगा. यहाँ पर आपको GPU मिल जाता है RTX 2060 6 GB का, जहाँ पर आप AAA टाइटल गेम्स काफी स्मूथली खेल सकते हैं गाइस. इस लैपटॉप की प्राइस की बात की जाए तो आपको 87,990 में मिल जाता है, जो काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस है. आपको बहुत ही बढ़िया स्पेक्स मिल जाता है इस पे. तो ये हमारे लिस्ट पे पांचवें नंबर पे होगा. और दोस्तों, चौथे नंबर पे जो हमारा लैपटॉप है वो है HP Omen का. कैसी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है. अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए 2020 में तो ये आपके लिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप होगा. इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. एंड कैसे, अगर यहाँ पर स्पेक्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मिल जाता है इंटेल का 8th generation इंटेल कोर i7 8750H का प्रोसेसर, जहाँ पर आपको बेस प्रोसेसिंग स्पीड मिल जाती है 2.6 GHz की और वो मैक्सिमम जाती है 4.5 GHz की गाइस. और उसी के साथ आपको यहाँ पर 6 कोर का इनबिल्ट प्रोसेसर मिल जाएगा, 12 MB का कैश मिल जाएगा गाइस. इस प्रोसेसर के साथ आप इस लैपटॉप में कोई भी गेम काफी स्मूथली खेल सकते हैं गाइस. और यहाँ पर दूसरे स्पेक्स की बात करें तो आपको डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD, 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है गाइस. यहाँ पर आपको रैम 16 GB मिल जाएगा. स्टोरेज की बात करें, आपको 1 TB HDD मिल जाएगा, 128 GB का SSD मिल जाएगा. GPU की बात करें, यहाँ पर GTX 1050 Ti मिल जाता है 4 GB का. यह हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे इसीलिए आता है क्योंकि इसकी प्राइस हो जाती है 1,03,823. अगर ये 1 लाख के नीचे होता है तो ऑब्वियसली हमारे लिस्ट पे दूसरी या फिर नंबर 1 पे आता. तो गाइस, सिर्फ प्राइस की वजह से लैपटॉप हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे है. तो ये लैपटॉप थी हमारे लिस्ट की चौथी लैपटॉप. अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे गेमिंग लैपटॉप की तरफ. तीसरे नंबर पे है HP Pavilion गाइस. इस लैपटॉप की स्पेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD, 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है गाइस, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिस्पांस टाइम मिलेगा गेम्स खेलते वक्त. रैम आपको यहाँ पर 8 GB मिल जाता है. स्टोरेज की बात करें, आपको यहाँ पर 1 TB HDD प्लस 256 GB का SSD मिल जाएगा. CPU की बात करें, आपको यहाँ पर 9th generation इंटेल कोर i7 देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया है कोई भी गेमिंग लैपटॉप के लिए. यहाँ पर आपको 12 MB का कैश भी मिल जाता है, 6 कोर का इनबिल्ट प्रोसेसर भी मिल जाता है. यहाँ पर GPU की बात करें, आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया GPU मिल जाता है. आपको यहाँ पर NVIDIA GeForce GTX 1650 का 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा. और अगर इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो आपको 89,000 के प्राइस में ये सब कुछ मिल जाता है. तो गाइस, ये लैपटॉप ऑब्वियसली हमारे लिस्ट पे तीसरे नंबर पे आना चाहिए क्योंकि इसका प्राइस काफी चीप है. ये लैपटॉप डिजर्व करता है कि टॉप 3 की लिस्ट में आए. एंड गाइस, दूसरे नंबर पे जो हमारा लैपटॉप है वो है Acer Nitro 7. इसकी स्पेक्स की बात करें, आपको यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा. रैम आपको 8 GB मिल जाता है, जो एक्सपेंडेबल है अप टू 32 GB. स्टोरेज यहाँ पर आपको 256 GB का SSD मिल जाता है, 1 TB HDD
एलईडी मिल जाता है। सीपीयू की बात करें आपको इंटेल को 9th जनरेशन i5 9300H का प्रोसेसर मिल जाता है गाइस यहां पर। यहां पर जीपीयू की बात करें आपको यहां पर एनवीडिया जीफोर्स GTX 1650 Ti 6GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जिसमें आप कोई भी गेम काफी स्मूथली खेल सकते हैं। आप यहां पर ई-स्पोर्ट्स और यहां पर AAA टाइटल गेम से काफी स्मूथली खेल सकते हैं गाइस। इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें आपको 84,000 के प्राइस में Amazon या Flipkart में मिल जाएगा। इसका भी चीपेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। एंड गाइस अब आ गया टाइम पहले नंबर का। पहले नंबर पर हमारा लैपटॉप है Lenovo Legion 5i। और दोस्तों ये लैपटॉप हमारे लिस्ट में नंबर वन पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है लेटेस्ट 10th जनरेशन इंटेल कोर i7-10750H का प्रोसेसर, जहाँ पर आपको मिल जाएगा 2.6 GHz का बेस क्लॉक स्पीड, जो मैक्सिमम जाता है 5.0 GHz का। गाइस यहाँ पर आपको 6 Core 12 Thread का इनबिल्ट प्रोसेसर मिल जाएगा और 12MB का कैश मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आप कोई भी गेम काफी स्मूथली खेल सकते हैं। और यहाँ पर जीपीयू की भी बात करेंगे तो आपके यहाँ पर एनवीडिया जीफोर्स GTX 1650 Ti 6GB का मिल जाता है, जहाँ पर आप AAA टाइटल गेम्स काफी स्मूथली खेल सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले की बात करेंगे, डिस्प्ले आपको 15.6 इंच का फुल HD मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, रैम आपको 8GB मिल जाता है, स्टोरेज की बात करें आपको 1TB HDD मिल जाती है, प्लस 256GB की SSD मिल जाती है। ये लैपटॉप हमारे लिस्ट पे नंबर वन पे डिजर्व करता है। इसकी प्राइस की बात करेंगे आपके लैपटॉप 95,000 के प्राइस में Amazon या Flipkart में मिल जाएगा। इसका भी चीपेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। एंड गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड गाइस ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की लिस्ट अंडर 1 lakh। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई लैपटॉप मिस कर दिया है, फिर मैंने कोई लैपटॉप यहां पर गलत बोला है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके 1 लाइक कमेंट से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।